हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्रिया। जिसे इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है, वहीं हिंदी में इसे क्रिया कहा जाता है। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, लिखना, खेलना, सोना आदि। उदाहरण देखते हैं। चोर भाग रहा है। इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है? भागने का काम हो रहा है। तो भाग क्या है? क्रिया शब्द। चोर कौन सा काम कर रहा है? भागने का। तो भाग क्या हुआ? क्रिया शब्द। आगे है बालक हंसता है। बालक कौन सा काम कर रहा है? हंसने का। तो हंसता क्या है? क्रिया शब्द। आगे है राम सब्जी बेच रहा है। राम कौन सा काम कर रहा है? सब्जी बेचने का। तो बेच रहा क्या है? क्रिया शब्द। क्रिया के भेद जानने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। जैसे कर्ता क्या है, कर्म क्या है, धातु क्या है। इन्हें समझने के लिए हम एक वाक्य देखेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम क्या है? कर्ता। कर्ता क्या है? काम करने वाला। पुस्तक क्या है? कर्म। कर्म क्या है? जिस पर क्रिया का फल या असर पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? कर्म। पढ़ता क्या है? क्रिया। क्रिया क्या है? जो काम किया जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? क्रिया। करने वाले को, जो काम करता है, कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ता। कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ने का। तो क्रिया क्या है? पढ़ता। तो पुस्तक क्या है? कर्म। कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। कार्य जो हो रहा है, कौन सा हो रहा है? पढ़ने का। उसे क्रिया बोलते हैं। तो पुस्तक क्या है? कर्म। वाक्य में एक कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। तो आप कर्ता, कर्म, क्रिया को समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं धातु क्या है। धातु किसी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु जैसे पढ़। पढ़ क्या है? धातु। धातु के पीछे हम प्रत्यय शब्द ना लगा दें तो क्या बन जाएगा? पढ़ना। तो पढ़ना क्या होगा? क्रिया। आगे है लिख। लिख क्या है? धातु। इसके पीछे हम प्रत्यय शब्द ना लगा दें तो क्या बन जाएगा? लिखना। लिखना क्या होगा? क्रिया। आगे है जा। या क्या है? धातु शब्द है। इसके पीछे हम प्रत्यय शब्द ना लगा दें तो क्या बन जाएगा? जाना। जाना क्या होगा? क्रिया। आगे है आ के पीछे हम ना प्रत्यय शब्द लगा दें तो क्या बन जाएगा? आना। आना क्या होगा? क्रिया शब्द। आगे है हस। हस के पीछे हम ना शब्द प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा? हंसना। हंसना क्या होगा? क्रिया शब्द। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम क्रिया के भेद करेंगे।